ये एयरबीएनबी से जो हम लोग ने प्रेस्टिज फर्न अपार्टमेंट बुक किया था, यहाँ से आज सवेरे हम लोग 6 बजे वेलंकनी के लिए निकलेंगे, जो कि लगभग 500 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी है। और यहाँ पे हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा, 3 BHK अपार्टमेंट था, सारी फैसिलिटीज़ थी, TV, म्यूज़िक सिस्टम सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे, और यहाँ रह के बहुत मज़ा आया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बेंगलोर से हम लोग सवेरे 6 बजे करीब निकले और ये तमिलनाडु में हुसूर के पास आके उन्हें पेट्रोल डलाया है। बेंगलोर से वेलंकनी की दूरी 478 किलोमीटर है, गूगल के हिसाब से हम 3:15 बजे तक पहुंच जाए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज करने के लिए डीजल डलवाना था, तो इसलिए यहाँ पे हुसूर पर रुक के डीजल डलवा। ये समानव रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे दे रखा है कि आप गाड़ी धीरे चलाएं। तो ये बहुत बेहतरीन हाईवे है, और अगर आप देखेंगे सामने पहाड़ भी दिख रहा है। ग्रीनरी तो खैर यहाँ पे मेरे को लगता है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये हाईवे है, लेकिन इस हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा रश नहीं है और हम लोग बहुत ही मज़े से जा रहे हैं। और सामने जैसे हमें दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है और अच्छा लग रहा है, मतलब मौसम भी सुहाना सा है, इसलिए ये हमें अच्छा लग रहा है और हम आगे बढ़े जा रहे हैं। जो है सरवाना भवन है, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। भैया ब्रेकफास्ट करके देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा है। तारीफ बहुत सुनी है क्योंकि पूछे थे कि प्योर वेज मिलता है यहाँ, तो कुछ भी नॉन वेज नहीं। सरवाना भवन ज्योति, कैसा टेस्ट है खाने का, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मैंने इडली, वड़ा, डोसा खा लिया, पेट भर गया पर मन नहीं भर रहा। भैया आप भी एंजॉय कर रहे हैं खाने को? मैं तो आराम बोल रहा हूँ। हाँ मिनी भाभी, आपको कैसा लगा और आपने क्या क्या खाया? बहुत बढ़िया, मैं तो घर आ गई। इडली, सांभर, डोसा, वड़ा सभी टेस्टी था ना। मेरे को भी यहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी खाना था, मतलब जितना सोच रहे थे उससे लाख गुने अच्छा था। ये जो आप देख रहे हैं घाट का एरिया है, और यहाँ पे बार बार अनाउंस भी करते रहते हैं कि आप गाड़ी धीरे चलाइए, गो स्लो गो स्लो, और कैमरे लगे हुए हैं और ये भी कैप्चर करते हैं कि कहीं आप गाड़ी तेज तो नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 20 या 30 की स्पीड मैक्सिमम है, उसी स्पीड पर आप गाड़ी लेके जाएंगे, और जगह जगह पुलिस वाले और सब खड़े रहते हैं, ये चेक करते रहते हैं कि कहीं आप गाड़ी तेज तो नहीं चला रहे, और इसीलिए बार बार अनाउंस भी करते हैं गो स्लो गो स्लो, और कैमरे भी लगे हुए हैं
जो कि आपको देखते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि मौसम कितना सुहाना है, बादल पूरे बने हुए हैं और हम लोग वेलंकरी के रास्ते पे हैं और अचानक पानी बरसना शुरू हो जाता है और पानी बरसता है और बढ़िया मौसम हो जाता है और बहुत ही सुहाना मौसम है और इस मौसम में यात्रा का आनंद ही कुछ अलग मिल रहा है। आज 31 दिसंबर 2021 है और आप देख रहे हैं कितना सुहाना मौसम है। यहाँ का तापमान कुछ ज़्यादा नहीं है और पानी बरस रहा है, जबकि लखनऊ में होते तो शायद बहुत ही ज़्यादा ठंड होती। और इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं, पानी बरस रहा है और हम लोग वेलंकरी की तरफ जा रहे हैं। सब्जी दो सब्जी है, पत्ता गोभी और चौथो बोलता है तमिल में, वो भी है सब अनलिमिटेड मिलता है। अब इधर भी आएगा तो बहुत अच्छा आप लोग करेगा। इसमें एक सांभर था, एक तो सांभर था और बटर मिल्क और ओके ओके और राइस और साथ में पापड़ और सेवन आइटम अच्छा दस आइटम एग्जैक्टली पापड़ और मिक्की और पिसल वो भी मिलेगा। लेकिन यहाँ का फूड बहुत अच्छा था, बहुत ही डिलीशियस था, हमें खा के बहुत मजा आया। और क्या नाम है? थैंक यू। थैंक यू। बहुत भूख लगी हुई थी और बेंगलोर से निकलने के बाद यहाँ पे हमने स्टे करके, हालांकि सवेरे मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट किया था वो तो किया ही था, लेकिन लंच के टाइम पे अभी हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे खाना खाया क्योंकि लैंग्वेज को इशू है, लेकिन खाना बहुत डिलीशियस था और जिन्होंने हमें सर्व किया था मैंने उसको भी इसमें ऐड कर लिया है वीडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं। Come on.
ये हम वेलंकनी पहुंच गए हैं और वेलंकनी में अपने इस जो स्टे का वो किया था अरेंजमेंट वो जीएस रिजॉर्ट पे किया था और जो कि बहुत ही साफ सुथरा था और अगर इसका आर्किटेक्चर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी देखें तो बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। साफ़ सुथरा होटल, रूम्स बढ़िया और इसलिए हमने इसको चूज़ किया। और ये मैं अभी आपको जो जीएस रिजॉर्ट्स है उसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। वैसे वेलंकनी जो है वो नागापट्टनम का एक छोटा सा टाउन है और यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है वो यहाँ का चर्च है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अभी ये एक छोटा सा जो है ये रिजॉर्ट्स का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ गुड हेल्थ है और यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे सब जगह से ऑल ओवर इंडिया से इवन एब्रॉड से लोग आते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए और जो लोग बीमार होते हैं वो भी आते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए। और इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा कैथोलिक चर्च है और या इसकी एक अलग ही मान्यता है तो इसलिए इसको भी हमने शूट किया है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये नागापट्टनम का जो वेलंकनी एक टाउन है उसमें ये बेसिलिका ऑफ आर लेडी ऑफ गुड हेल्थ है और जिसको कि देखना चाहिए। और यहाँ पे पूरे साल भर में लगभग 20-20 मिलियन जो है पिलग्रिम्स आते हैं। और जब 2004 में जो सुनामी आया था कहते हैं जो कि इस श्राइन के अंदर पानी नहीं आ पाया था और बाकी नागापट्टनम शहर तो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। बट मैंने इसका जो वीडियो शूट किया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये एक मेरे को यहाँ पे आके भी अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा चर्च बना हुआ था। चर्च तो हम लोगों ने रात में ही देख लिया था और नेक्स्ट डे क्योंकि सारा दिन पानी गिरता रहा और हम होटल में ही रहे, हम कहीं भी जा नहीं पाए, लेकिन वेलंकनी आके हमें बहुत अच्छा लगा।